हाय गाइज, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपना चैनल टेक्निकल कैसे में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्लॉग का ये 10वां नंबर का पार्ट है। दोस्तों, इसमें हम आपको बताएंगे ब्लॉग बनाने से पहले आपको एक जो है सो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जिसको आपको जरूर से जरूर ध्यान रखना होगा। दोस्तों, ब्लॉग में या फिर वेबसाइट में एक चीज़ बहुत ज़्यादा मायने रखता है मोनेटाइजेशन के टाइम पे। दोस्तों, जब आप ये काम नहीं किए रहेंगे तो हो सकता है मोनेटाइजेशन जब आप रिव्यू में जाएगा तो उसे डिसेबल या कैंसिल कर देगा, बार बार इसे कैंसिल करेगा डिसेबल करेगा। इसलिए आपको इस चीज़ को जरूर से ज़रूर जान लीजिए। सबसे जो मेन मुद्दा होता है इसमें होता है पेज का। पेज मतलब दोस्तों, ब्लॉग में आपका पेज बनाना होता है जो कि 5 तरह का पेज होता है। सबसे पहले होता है अबाउट अस, यानी कि आपके चैनल और आपके बारे में इंट्रो होना चाहिए कि आप अपने वेबसाइट पे किस तरीक़ा से आप काम करते हैं, आप कहाँ के हैं और अपने बारे में इंट्रो देना है, उसी को बोलते हैं अबाउट अस। दूसरा पेज होता है कॉन्टैक्ट अस का पेज, यानी कि जब भी कोई व्यूअर को आपके बारे में कोई सलाह या कोई क्वेश्चन होगा तो उसे कैसे को आप तक पहुँचाएगा, तो इसलिए कॉन्टैक्ट अस का पेज आपको बनाना होता है। तीसरा नंबर का होता है डिस्क्लेमर, चौथा होता है प्राइवेसी पॉलिसी और पांचवें नंबर का होता है टर्म एंड कंडीशन। दोस्तों, ये जो आप जितने भी पेज सुने हैं, हो सकता है आपको सुनने में बड़ा लगा होगा, टफ लगा होगा, लेकिन दोस्तों सभी के लिए एक तरह का जो है सो वेबसाइट क्रिएट हुआ है, उस वेबसाइट पर आपको जाना है और सभी तरह का पेज को आप खुद से जनरेट कर सकते हैं। आपको भी लैपटॉप किसी पे ले चलेंगे हम और आपको लाइव दिखाएंगे किस तरीके से सारे पेज को कैसे क्रिएट किया जाता है या फिर जनरेट किया जाता है और किस तरह से ब्लॉग में उसे लगाया जाता है। तो चलिए लैपटॉप की स्क्रीन पे चलते हैं और ब्लॉग में पेज क्रिएट करना सीख लेते हैं। तो गाइज, हम आ गए हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे और यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका अपना वेबसाइट है जो कि हमने पिछले बाकी वीडियो में बताया है कि वेबसाइट के बारे में सारा ट्यूटोरियल। अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो उस एपिसोड को आप जरूर से ज़रूर देख लीजिए। दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं वेबसाइट के बारे में हमने पेज के बारे में बात किया है कि पेज किस तरीक़ा से बनाया जाता है। तो वेबसाइट पे आप जैसे ही आइएगा तो यहाँ पर देखिए पेज का एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा जो कि कुछ इस तरह से आपको दिखता होगा। दोस्तों, ये पेज जो है सो आपको वेबसाइट में ग्रो कराने के लिए से लेके और मोनेटाइजेशन तक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। इसलिए आपको क्या करना होगा, पेज जो है सो बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। आपके वेबसाइट पर पेज बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए आपको क्या करना होगा, पेज पर क्लिक कीजिए और पेज पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए एक नया इंटरफेस आपको देखने को मिलता होगा। यहाँ पर जब आप क्लिक करते हुएगा तो न्यू पोस्ट आता है, लेकिन यहाँ पर देखिए अभी न्यू पेज बन चुका है। तो दोस्तों, पेज जो है सो बहुत ही ज़रूरी होता है आपके वेबसाइट के लिए। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर बात आता है कि पेज कैसे बनाएं, जैसे कि अबाउट अस। तो चलिए, एक आपका टेक्निकल कैसे के जो है सो वेबसाइट है जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं कि अबाउट अस में हमने बताया है आपको कि अबाउट अस का पेज बनाया जाता है। तो आप यहाँ पर जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस वेबसाइट का। यहाँ पर जाइए और यहाँ पर देखिए अबाउट अस जो है सो कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं अबाउट अस लिखा हुआ है, और अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है अबाउट अस के बारे में सारा चीज़ कि आपको किस तरीक़ा से यहाँ पर लिख सकते हैं कि और किस तरीक़ा से यहाँ पर लिखा जाता है। तो यहाँ पर क्या कीजिए, इसको आप कॉपी कर लीजिए, कंट्रोल सी से कॉपी कर लीजिए और जाइए अपने वेबसाइट के पेज में और यहाँ पे पेज पे न्यू पेज पे क्लिक कर लीजिए और यहाँ पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे टाइटल में लिख लीजिए अबाउट अस। तो चलिए अबाउट अस लिख लेते हैं। अबाउट अस लिखने के बाद यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे आप यहाँ पे क्या कीजिए, कॉपी कर दीजिए और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे देखिए टेक्निकल कैसे 21blogspot.com, यहाँ पे आप अपना वेबसाइट का URL डाल दीजिएगा। तो यहाँ पे जो भी आपका जो है सो URL हो, जैसे कि XYZ, हालांकि ये URL नहीं है, आपका URL जो होगा वो URL डालिएगा। आप किस तरीक़ा के काम करते हैं, जैसे कि टेक्निकल कैसे मेरा YouTube चैनल नाम है, तो यहाँ पे हम अपने YouTube के बारे में भी यहाँ पे बता दिए हैं, हम क्या क्या अपडेट देते हैं यहाँ पे उसके बारे में लिख दिए हैं। तो ये हो गया है अबाउट अस का पेज। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे पब्लिश पे क्लिक कर दीजिए। पब्लिश पे आप जैसे ही कीजिएगा कंफर्म पूछेगा, तो कंफर्म पे आप क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए अबाउट अस का पेज जो है सो बन चुका है। अब आपको यहाँ पे न्यू पेज पे फिर से क्लिक करना है और प्राइवेसी पॉलिसी का पेज बनाना है। तो यहाँ पे जाइए और यहाँ पे टाइटल जो है सो प्राइवेसी पॉलिसी आपको लिखना है। तो चलिए टाइटल में लिख लेते हैं प्राइवेसी पॉलिसी। प्राइवेसी और यहाँ पे लिख देते हैं पॉलिसी।
चलिए यहाँ पे टाइटल में लिख दिए प्राइवेसी पॉलिसी, और एक वेबसाइट है जहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर। तो यहाँ पे आपको कंपनी का नाम देना है, आपकी कंपनी का क्या नाम है, तो यहाँ पे दे सकते हैं ब्लॉग डेमो, तो यहाँ पे ब्लॉग डेमो दे दिए। वेबसाइट का क्या नाम है, तो ब्लॉग डेमो, ब्लॉग डेमो। और चैनल का लिंक क्या है, तो चैनल का लिंक आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। चैनल का लिंक कॉपी करने के लिए क्या करना होगा आपको, चलिए यहाँ पे बैक आ जाते हैं और व्यू चैनल करते हैं, और यहाँ से क्या करेंगे, लिंक को कॉपी कर लेंगे। तो यहाँ से कॉपी करते हैं लिंक को, आप भी कुछ इस तरीका से ही कर सकते हैं, और यहाँ पे चैनल का यूआरएल पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट जैसे ही कीजिएगा तो आपको क्या करना होगा, सभी में नो नो या फिर यस यस जो भी करना हो आप कर सकते हैं, और यहाँ पे आप कीजिए नेक्स्ट कर दीजिए। कंट्री आपका क्या है, कंट्री सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ से इंडिया है तो इंडिया, या फिर जिस कंट्री से आप देख रहे हैं वीडियो को वो सेलेक्ट कर सकते हैं। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे कुछ और सेलेक्ट हो गया, इंडिया सेलेक्ट करना है, देखिए इंडिया हो गया। स्टेट कौन सा है, तो बिहार स्टेट है मेरा, तो बिहार कर लेंगे। आप अपना यहाँ पे ईमेल आईडी दे दीजिए जिस ईमेल आईडी से आप बनाए हैं, और फिर आपको क्या करना होगा, जनरेट यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पर आपको एक कोई भी ईमेल आईडी तो देना ही होगा, और फिर से ये जो है सो बन जाएगा, उसके बिना नहीं बनेगा, इसलिए आपको जो है सो ज़रूर से ज़रूर कोई ना कोई ईमेल आईडी देना ही पड़ेगा। और जनरेट प्राइवेसी पॉलिसी पे क्लिक कीजिए, और देखिए यहाँ से आपको क्या करना होगा, यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे कॉपी टेक्स्ट टू क्लिपबोर्ड करेंगे, और यहाँ पे जाइए अपने ब्लॉग में, और ब्लॉग में प्राइवेसी पॉलिसी पे क्लिक कीजिए, और यहाँ पे क्या कीजिए, आपको व्यू एचटीएमएल पे क्लिक कर लीजिए, और यहाँ पे क्या कीजिए, पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट करने के बाद आपको फिर से यहाँ पे जाइए और कंपोस्ट व्यू पे क्लिक कर लीजिए, यहाँ पे देखिए प्राइवेसी पॉलिसी जो है सो हो गया क्लिक। तो इस तरीका से आप क्या कर सकते हैं, अपने ब्लॉग के लिए प्राइवेसी पॉलिसी को तैयार कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए इस लिंक पे क्या कीजिए, क्लिक कीजिए और यहाँ पे रिमूव लिंक कर दीजिए, तो ये हो गया आपका प्राइवेसी पॉलिसी। यहाँ पे क्या करना होगा आपको, पब्लिश पे क्लिक कर दीजिए और कन्फर्म कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए प्राइवेसी पॉलिसी का भी पेज बन चुका है। अब बनाना है डिस्क्लेमर का, डिस्क्लेमर पर जाइए, कंपनी का नाम दीजिए और फिर अपने वेबसाइट का नाम दीजिए और फिर यूआरएल दीजिए, तो जो भी यूआरएल है वो यूआरएल दे देते हैं, और फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए, फिर अपना कंट्री सिलेक्ट कीजिए, स्टेट सिलेक्ट कीजिए, ईमेल आईडी, और जनरेट पे क्लिक करने के बाद आपका जो भी होगा वो वहाँ से सेलेक्ट हो जाएगा। तो फिर जनरेट डिस्क्लेमर पे क्लिक करके सेम उसी तरीका से डिस्क्लेमर का पेज बना लीजिए, सेम टू सेम प्रोसेस है। इसी तरीका से आपको टर्म कंडीशन पे भी क्लिक करना है, यहाँ पे जाइए ब्लॉग डेमो, वेबसाइट नेम ब्लॉग डेमो, यूआरएल अपना दे दीजिए और नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए, और यहाँ पे देखिए अपना कंट्री सेलेक्ट कर लीजिए, और फिर से जनरेट टर्म कंडीशन पे क्लिक करके यहाँ पे फिर से जाना है पेज पे, और न्यू पेज पे क्लिक करके टर्म कंडीशन का पेज क्रिएट कर लेना है। तो कुछ इस तरीका से जो है सो आप अपने वेबसाइट के लिए या फिर ब्लॉग के लिए क्रिएट कर सकते हैं पेज, और पेज आपके मोनेटाइजेशन के समय पे काम आएगा, अगर नहीं रहेगा तो मोनेटाइजेशन जो है सो नहीं हो पाता है, इसलिए आप ज़रूर से ज़रूर पेज को क्रिएट कर लीजिए, और क्रिएट करना आप सीख चुके होंगे। कोई दिक्कत होता है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अच्छा लगा हो तो वीडियो को सपोर्ट कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों उम्मीद करते हैं इस लैपटॉप के स्क्रीन पे आपको लाइव में जो जैसे भी हम दिखाए हैं कि किस तरीके से पेज को क्रिएट किया जाता है आप अच्छे से समझ चुके होंगे। आगे से आपको इस पेज बनाने में कोई भी प्रॉब्लम या फिर समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा, ऐसा हम आशा करते हैं। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नए टॉपिक नए उमंग के साथ, तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।